हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेजता किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यम्मी एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है आलू चॉप। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के रूप में या फिर कभी भी ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं अजवाइन का यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। इससे हमारा चॉप थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी को हम ऐड करेंगे और एक बैटर बना लेंगे। स्मूथ बैटर बनाना है हमें। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। एक मीडियम कंसिस्टेंसी का हम बैटर बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। तो हमारा बैटर बनकर रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। और इतना बैटर बनाने में यहाँ पे हमारा 1/4 कप पानी बच गया है। नेक्स्ट हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इससे हमारा चॉप काफ़ी फ्लफी बनेगा, तो हमें चुटकी भर ही ऐड करना है। ध्यान रखें ज़्यादा ना ऐड करें, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया, नमक हम बाद में ऐड करेंगे, तो इसे हम साइड पर रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट हम आलू फ्राई कर लेते हैं। तो आलू फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। ऑयल को एकदम गर्म होने देंगे। इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। इसी के साथ हमें राई डालना है 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मैं थोड़े से करी लीव्स डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ 2-3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया। अदरक लहसुन जिसे मैंने ग्रेट करके रखा था 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून भुना हुआ धनिया। इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भुनना है। लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम लो फ्लेम पे ही भुनेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमें। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हमें डाल देना है काला नमक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ध्यान से ऐड करें, क्योंकि हमने काला नमक और चाट मसाला भी ऐड किया है। नमक को हमें अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे आलू। ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसे मैंने मैश कर लिया है बॉयल करके। तो इसे भी हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसका फ्लेम को हाई पे कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। 4 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़े से हरा धनिया और इन्हें अच्छे से हम आलू में मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने एक कढ़ाई लिया है, जिसमें मैं आलू चॉप को फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, मैं चॉप को डीप फ्राई करने वाली हूँ। और जो हमने बैटर बना के रखा था उसमें हम नमक मिला देंगे। नमक को बाद में ऐड करें, इससे हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छे से फूलता है। तो हमारा ये आलू ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा लोई लेंगे और इसे गोल करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको उसी तरह शेप आप अपने अनुसार से भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकियों को भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो हमारा सारा आलू रेडी है, चलिए इसे अब डीप फ्राई करते हैं। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसे हम बेसन में अच्छे से डिप करेंगे ताकि बेसन इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए
और इसे हम स्पून की मदद से एकदम गर्म तेल में डाल देंगे। तो तेल यहाँ पे हमारा अच्छा गर्म है, इसी तरीके से हम बाकियों को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई पे रखा है, हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए इसे तलेंगे। थोड़ी देर सिकने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। लगभग हाई फ्लेम पे हमें 2 मिनट के लिए इसे सेकना है। 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए सेकेंगे, या फिर तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो पलट पलट कर इसमें एक इवन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। चार से पाँच मिनट इसे लो फ्लेम पे तलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन हो चुका है। तो हम इसे झटक कर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देंगे और इसे हम किचन टॉवल के ऊपर रखेंगे ताकि जितना भी इसमें बचा कुचा एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। इसी तरीके से हम बाकियों को भी तलकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड बैच भी बनकर रेडी है। तो हमारा आलू चॉप बनकर एकदम रेडी है। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इन सर्दियों में आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ट्रस्ट मी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप बहुत इंजॉय करेंगे इसे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।